दिल्ली में इस वक्त पानी को लेकर परेशानी है, चाहे वो बाढ़ का पानी हो चाहे पीने का पानी हो। और फिलहाल हम वजीराबाद इलाके में हैं, जो वजीराबाद बिल्कुल यमुना से सटा हुआ इलाका है। पिछले 3 दिनों से बिजली की सप्लाई ठप है, पानी जो पीने का पानी जल बोर्ड सप्लाई करती है उसको लेकर दिक्कत है। और सिर्फ वजीराबाद नहीं है, सिविल लाइन्स, हिंदूराव हॉस्पिटल वाला इलाका, कमला नगर, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, NDMC का इलाका हो, राजेंद्र नगर का इलाका हो, पटेल नगर का इलाका हो, बलजीत नगर हो, इंदरपुरी हो, कालकाजी, गोविंदपुरी, तुगलकाबाद हो, संगम विहार हो, अंबेडकर नगर हो, प्रहलादपुर हो, रामलीला ग्राउंड हो, और साथ में सुभाष पार्क, मॉडल टाउन, गुलाबी बाग, पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी, मूलचंद, साउथ एक्स, ग्रेटर कैलाश, ताहिरपुर, सोनिया बिहार, यमुना बिहार, भजनपुरा, शास्त्री पार्क, गोंडा, सीमापुरी, ये तमाम इलाके हैं जिनमें पीने की पानी की समस्या है, क्योंकि 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे पानी जमा होने की वजह से बंद कर दिए गए हैं, चाहे वो चंद्रावल हो, चाहे ओखला हो, चाहे सोनिया विहार का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी लाइन लगी हुई है, जहाँ पे मेट्रो में टैप कल्चर की बात होती है वहाँ हैंडपम्प के ज़रिए पानी जो है, पीने का पानी लोग इंतजाम करने में जुटे हुए हैं, और क्योंकि समस्या जो है अपने आप में गंभीर है। और कब से पानी आप लोग को पीने वाला नहीं आ रहा है? हो गया 2 दिन तो हो गए। 2 दिन? हाँ, 2 दिन से। तो हैंडपम्प से निकालने, हैंडपम्प से ले रहे हैं। लाइट नहीं है, लाइट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइट की है ना, बच्चे हैं। लाइट कब से नहीं होगी? परसों रात से लाइट नहीं है, परसों रात से लाइट नहीं है। और पानी की सप्लाई भी नहीं, पानी की सप्लाई नहीं। तो ये पीने वाला ही पानी है? कर रहे, काम चला रहे, पीने वाला तो है नहीं वैसे, लेकिन काम चलाना पड़ रहा है, नहीं तो खरीदना पड़ेगा। खरीदना पड़ेगा पीने के लिए। तो खरीद भी रहे हैं क्या आप लोग? खरीद ही रहे हैं, ये पानी कहाँ यूज हो पाएगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा। और भी लोग हैं जो यहाँ पे, देखिए बकेट है, डब्बा है, जिसके जरिए लोग आए हुए हैं। किसी के घर के आगे ये हैंडपम्प लगा हुआ है, जहाँ से कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से प्यास बुझाई जा सके। और लोगों से बात करते हैं, ये पीने के काम में आ जाता है? नहीं, नहीं, काम करने के लिए। काम करने के लिए खरीदते भी हैं पीने का पानी? हाँ, खरीदते हैं। अब तक जो टैप में पानी आता होगा उसी से ये पानी भी काम चलता होगा, कपड़ा धोने का या बर्तन साफ करने का? हाँ, आता है। तो उस पानी के लिए आप इससे काम चला रहे हैं? हाँ। नहीं तो पीने के लिए खरीदते हैं पानी? खरीदते हैं पीने के लिए। इन 2 दिनों में कितना पैसा का पानी खरीद लिया होगा सर? परेशानी तो है। लगभग 100 रुपए का तो मैं स्पेशल खरीदा हूँ। क्या? मैं तो खुद स्पेशल 100 रुपए का खरीदा हूँ। आप भी खरीदे बाबा? हाँ जी। हाँ, 2-3 दिनों में कितना पानी खरीद के पी लिए? 100 रुपए खरीद लिए। एक एक बोतल कितने का आता है? 40 रुपए के। 40 रुपए का, 40 रुपए का एक बोतल। और इस तरीके से हालात हैं। एक जगह से ये चीजों को समझाने की कोशिश है कि किस तरीके से पानी को लेके एक हाहाकार की स्थिति है, चाहे वो बाढ़ का पानी हो चाहे वो पीने का पानी हो। तो हर कोई एक जगह पे, जैसे टैंकर पे मारामारी होती है, उसी तरीके से हैंडपम्प जो एक जगह पे है कॉलोनी में, वहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लोग ज़रूरत का काम। आप इसको पीने के काम में लाएंगे या बाकी चीज़ें? हर चीज़ में लाऊंगा अभी, हर चीज़ में काम लाएंगे। बिल्कुल मजबूरी है अभी, क्योंकि अभी पानी तो 3 दिन तक नहीं आएगी। और घर में जो, कब से नहीं आ रही है पानी? कल से नहीं आ रही। कल से नहीं आ रही, कल सुबह मॉर्निंग। खरीद कर नहीं पिया अभी तक, इसी से काम चल? हाँ, इसी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो अभी तो इसी से काम करना पड़ेगा। तो तकलीफ का एक पूरा अंबार है और पानी पर फिलहाल हाहाकार है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया।